जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं वहां पर इस फ्रेजर वर्ब का आप यूज कर सकते हैं आ, इसका मतलब यह होता है कि कोई भी सामने कोई इंसान आपके सामने आ, कोई excuse, कोई एक्सक्यूज़ आइडिया या किसी चीज की कोई एक्सप्लेनेशन या कोई फैक्ट या कोई भी बात या कोई प्लान या कोई भी चीज जो है ना वो आपके सामने कह रहा है और वो वही बातें कर रहा है जो पहले बहुत दफा कर चुका है ठीक है जब हम कहते हैं ना वही यार फिर वो ही तुम बात रिपीट कर रहे हो इसके लिए ये फ्रेजल वर्ब जो ना ट्रोट आउट यूज होता है जैसे कोई इंसान है वो बार बार एक ही एक्सक्यूज आपके सामने जब वो पेश करेगा तो आप कहेंगे यूर ट्रोटिंग आउट द सेम ओल्ड एक्सक्यूज अच्छा ट्रोट आउट का मतलब होता है कहना ठीक है आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कहना लेकिन क्या कहना वो ही पुरानी बातें अब वो जो पुरानी बातें हैं जो पहले कई दफा रिपीट की जा चुकी हैं उन्हीं को दोबारा से रिपीट करते रहना बार बार रिपीट करना उसके लिए जो है ना ट्रोट आउट प्रिजर्वर भी यूज होता है और वो क्या चीज है वो कोई एक्सक्यूज हो सकता है वो कोई आइडिया हो सकता है एक्सप्लेनेशन हो सकती है फैक्ट हो सकता है कोई theory हो सकती है कोई प्लान हो सकता है कुछ भी हो सकता है जैसे किसी कोई इंसान एक ही बहाना बार बार आपके सामने बनाए तो आप कहेंगे यू आर ट्रोटिंग आउट द सेम ओल्ड एक्सक्यूज ठीक है कि तुम वही पुराना बार बार एक ही बहाना जो ना वो बनाए जा रहे हो अच्छा आप देखिएगा कुछ लोगों को आदत होती है वो आपको कोई उन्होंने जिंदगी में कुछ किया कोई किस्सा कहानी

कि हमने बहुत दफा ये स्टोरी सुन ली है ठीक है लेकिन तुम उसी स्टोरी को बार बार रिपीट किया जा रहा है इसी तरह से कोई चीज़ है कोई एक्सप्लेन कर रहा है आपके सामने को, कोई भी अगर जैसे होता है ना रिलेशनशिप्स में अक्सर होता है सेम गलती रिपीट होती है और सेम उसके एक्सक्यूज या सेम उसके एक्सप्लेनशंस दिए जाते हैं तो वो आप वहां पर भी कह सकते हैं कि ट्रोटिंग आउट द सेम एक्सप्लेशन तुम हर दफा यही एक्सप्लेनेशन मेरे सामने लेके आ जाते हो ठीक है तो ट्रोट आउट का मतलब ये होता है किसी भी चीज को कहना वो चीज जो किसी सिचुएशन में बार बार

टाइप का मतलब होता है जो हम आ, हमारे फिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं ना लोगों के बारे में वो हमारे स्टेडियो टाइप्स होते हैं ठीक है जैसे कि इस तरह के लोग ऐसे होते हैं गरीब लोग तो चोरी होते होंगे जैसे हमने टाइप्स अपने दिमाग में बना लिए हुए हैं या अमीर लोग तो अच्छे ही होते हैं ऐसी एक बात कह रही हूँ मैं आ, मतलब ऐसा होता नहीं है स्टीरियो टाइप्स ऐसे होते हैं ठीक है तो अब इसमें एग्ज़ाम्पल में ये कहा जा रहा है कि इट इज़ाराज यू स्टीडियो टाइप्स के ये सिर्फ उसके मतलब जब भी उसने कोई पॉइंट बनाना होता है जब भी उसने कोई बात अपनी प्रूव करनी होती है ना तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट में वो लेकर आती है वो अपने पुराने वो स्टीडियो टाइप से देखा मैं तो कहती थी कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं मेरी तो कोई बात मानते तो, मतलब उसने वही पुराने अपने जो उसने स्टीडियो टाइप्स बनाए हुए ना लोगों के बारे में कि ये लोग तो इस तरह के लोग तो ऐसे ही होते हैं वो वही ट्रोट आउट करती है ठीक है अच्छा जी हमारी सेकेंड एग्जाम्पल uh, uh, है सर नदीम इज ट्रॉटिंग आउट द सेम इंफॉर्मेशन इन हिज एवरी लेक्चर ठीक है कोई टीचर है किसी टॉपिक को किसी सब्जेक्ट को पढ़ा हैं और वो अपने हर लेक्चर में सेम इंफॉर्मेशन जो है ना वो सेम उनका जो मटेरियल है उनका जो कंटेंट है वो सेम है ठीक है वो उसी को ट्रॉट आउट करते रहते हैं मतलब कि वो सेम उसी को रिपीट करते जाते हैं उनके हर लेक्चर में वही इंफॉर्मेशन वही फैक्ट्स होते हैं वही एक्सप्लेशन होती हैं वही उन, 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 उनका कॉन्टेंट होता है सेम कॉन्टेंट जो है वो रिपीट करते हैं तो वो ट्रॉट आउट करते हैं सेम कॉन्टेंट uh, को अपने अच्छा जी थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है इन एवरी शो ऑन एवरी टी वी चैनल दे थ्रोट आउट द सेम इशूज हर शो पे हर टीवी चैनल के हर शो पे जो है ना वो सेम इश्यूज ही ट्रोट आउट हो रहे होते हैं आप देखिएगा कोई एक चीज हो जाएगी कोई एक हैपनिंग होगी आप किसी भी टीवी चैनल को लगा लें आप कोई भी शो लगा लें उसके ऊपर वही जो इशू है ना वो सब ट्रोट आउट कर रहे होते हैं उसी को बस उसका ही रिपीट टेलीकास्ट बस चल रहा होता है ठीक है ओके जी फ्रेंड यहाँ पे लेसन हमारा हो खत्म होता है अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस लेसन को शेयर कीजिए एंड सी यू नेक्स्ट लेसन अल्लाह हाफिज़